स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विथ माई गार्डन में। दोस्तों, बारिश का मौसम स्टार्ट होते ही कुछ ना कुछ नए प्लांट है और जो प्लांट लवर होते हैं वो गार्डन में ऐड करते हैं। मेरे यहाँ दोस्तों आज मैंने थोड़ी शॉपिंग की है प्लांट की, वैसे तो बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं की है। और मेरे यहाँ एक छोटी दिक्कत भी ये है दोस्तों कि ऐसी कोई बड़ी नर्सरी नहीं है जिसमें बहुत सारी वेराइटी मुझे देखने को मिले। तो ये प्लांट भी दोस्तों मैंने नर्सरी से तो परचेस नहीं किए हैं। आपको पता है कि रोड के किनारे, सड़क के किनारे जो प्लांट बेचने वाले होते हैं, मेरे पास दोस्तों एक्जोरा की एक दो वैरायटी थी, लेकिन पिछले गर्मियों के तेज़ धूप में कुछ प्लांट है वो मैं बचा नहीं पा रहा था। तो वो दिक्कत की वजह से मुझे कुछ प्लांट ऐड करने थे, तो इस दौरान मुझे ये प्लांट एक रोड के, सड़क के किनारे मिल गए हैं। तो ये प्लांट मैंने कुछ परचेस किए हैं। वैसे तो दोस्तों आपको पता है कि एक्जोरा की केयर और इसकी रिपोर्टिंग किस तरह से की जाती है, इसका मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना लूँगा, लेकिन आज मैंने जो शॉपिंग की है उसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने 3 कलर में लिया है। वैसे दोस्तों इसकी पत्तियाँ में भी अलग अलग डिफरेंस टाइप की है। थोड़ी एक छोटी वाली वेराइटी है वो ऑरेंज कलर की है, एक है वो रेड कलर की है, और ये पॉली बैग में मुझे मिला है दोस्तों। तो ज़्यादा कोई गमले की भी मुझे रिक्वायरमेंट तो नहीं थी, और मुझे जैसा चाहिए था वैसा बहुत ही अच्छी कंडीशन में तो नहीं कहूँगा, लेकिन अभी ये ब्लूमिंग फ्लावर पे है। लेकिन नर्सरी वालों का रात तो आप पता ही होगा दोस्तों कि बेचने के टाइम फ्लावर होते हैं, तभी जाके ही वो सेलिंग कर पाते हैं। तो इसकी तो मैं डिटेल में वीडियो बना लूँगा कि अच्छे खासे प्लांट बनाने के लिए किस तरह से आपको क्या क्या केयर करनी पड़ेगी, किस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल तो ये जो प्लांट है दोस्तों एक्जोरा की 3 वैरायटी ली है, और एक दोस्तों मैंने जो ली है वो लेमन की यानी कि नींबू का प्लांट लिया है। वैसे तो दोस्तों वो ग्राफ्टिंग मुझे तो नहीं लग रहा है, मैंने देखा है, लेकिन अच्छा खासा हेल्थी है। शायद 1 साल के ऊपर का होगा, ऐसा मुझे रूट के हिसाब से लग रहा है। और मुझे भी ये एक जगह ग्राउंड पे ग्रो करना था, तो ये प्लांट उसके लिए बेस्ट है। वैसे तो ग्राफ्टिंग पौधा होता है, वो फ्रूट है वो थोड़ा जल्द दे देता है, लेकिन ना दोस्तों ये फ्रूट ज़रूर देगा। अच्छे फ्रूट लेने के लिए कम से कम लेमन के प्लांट के लिए आपको 4 से 5 साल का इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। वैसे भी दोस्तों ये 1 साल के करीब का या ऊपर का होगा, तो 2-3 साल अभी वेट करूँगा तो अच्छा खासा ये पेड़ का रूप ले लेगा। और ये बाकी के तीनों जो एक्जोरा है वो मैं ग्राउंड में दोस्तों गमले में सर्वाइव करूँगा। एक है रेड कलर का, एक ऑरेंज कलर का है, एक है पिंक कलर का, और देखिए अब दोस्तों ये नींबू का प्लांट अच्छा खासा सर्वाइव हो गया है। बड़े ही सीट से किया हो, मुझे तो पता ही था दोस्तों, लेकिन कुछ टिप्स होती है बेचने वालों की भी। तो एक बहुत ही अच्छी कंडीशन है समझ लीजिए, तो ऐसा मुझे मिला है। कुछ पत्ते वगैरह है वो टूट गए हैं, ऐसा कुछ एक्जोरा एक प्लांट में है, लेकिन फिर भी ये ग्रो तो हो ही जाएगा दोस्तों। तो इसकी सेपरेट डिटेल में मैं वीडियो बना लूँगा। तो फिलहाल तो अभी ये गार्डन में जो गार्डन की खूबसूरती है वो बढ़ाएगा। और मुझे तो ज़्यादातर डिपेंड दोस्तों ऑनलाइन प्लांट के ऊपर या तो सीट के ऊपर ही रहना पड़ता है। इतनी अच्छी खासी बड़ी कोई ऐसी नर्सरी मेरे नियरेस्ट बाय नहीं है, तो ये प्लांट मैंने परचेस किए हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।